नमस्कार टू एवरी वन. आई एम अचला. टुडे आई एम गोना टीच यू सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. इट इज योर थर्ड चैप्टर ऑफ साइंस सब्जेक्ट. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट. सो सिंथेटिक फाइबर, व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? डू यू नो अबाउट सिंथेटिक फाइबर? अ मटेरियल विच इज मेड फ्रॉम अ मैन इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर. कोई मटेरियल है, कोई फाइबर है जो कि मैन मेड है, मतलब मैन ने बनाया है, तो वो चीज क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर. ओके, अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. मतलब मटेरियल मतलब क्या होता है जिससे हम क्या करते हैं, थिंग्स बनाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाते हैं. वी यूज लॉट ऑफ मटेरियल एवरी डे. दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर लुकिंग. और लाइक अगर हम टच करते हैं तो सम लाइक फैब्रिक आर सॉफ्ट, सम आर हार्ड इन टच, सम आर फ्लेक्सीबल. ओके, वाटर प्रूफ एंड अब्सॉर्बेंट. अ पर्सन मेकिंग केयरफुल सेलेक्ट मटेरियल फॉर इट बाई पिकिंग द यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ ईच मटेरियल. टूडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग सच एज पैंट, शर्ट, कोट. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल. ओके, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग पहनते हैं हम. लाइक फॉर्मल हैं, लाइक वेन वी गो, लाइक हम स्कूल में जाते हैं तो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं. ओके, देन जाते हैं तो फॉर्मल वियर वियर करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी वियर क्लोथ्स. वेयर डू द रॉ मटेरियल फॉर दीज क्लोथ्स कम फ्रॉम? मतलब ये कहाँ से आते हैं? आर सम ऑफ आवर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक? कुछ कुछ ऐसे होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं. एंड सम आर नेचुरल. नेचुरल fibers are mainly two types, natural fiber and synthetic fiber. Natural means that we get, मतलब जो हमें मिलता है, कहाँ से मिलता है? Nature से. Okay, तो so natural fiber या तो हमें कहाँ से मिलेगा? Plant source से मिलेगा and animal source से मिलेगा. ठीक है, दो चीज़ों से मिल सकता है. ठीक है, और synthetic fiber जो होता है वो बिल्कुल man-made होता है. It can be purely synthetic. वो purely synthetic भी हो सकता है या उसका mixture भी. ओके, सो ऑल नेचुरल फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक विच आर फर्दर यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स. नेक्स्ट फूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ह्यूमन बींग्स इज क्लोथिंग. क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन डिफरेंट सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन वी वियर क्लोथ. लाइक इन समर वी प्रिफर कॉटन क्लोथ, इन विंटर वी लाइक वियर कोट. ओके, स्वेटर, दीज टाइप ऑफ क्लोथ. ओके, इस तरह के क्लोथ्स हम पहनते हैं to protect our body. Basically, clothes protects our body from like different temperature में हम किस तरह से survive कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें clothes like एक तरह से हमें एक layer give up करते हैं. ठीक है, so जैसे जैसे weather change होता है like उसके according हम क्या करते हैं, अपने clothing को change करते रहते हैं. ठीक है, और इन fibers को हम like ropes हैं, carpet हैं, bags हैं, फिशिंग नेट्स हैं, कारपेट्स, पैराशूट. इन पैराशूट मेकिंग में भी वी यूज फाइबर. ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स इंक्लूड इन डिफरेंट एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन. व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? लाइक मैंने बताया आपको, जो कि मैन मेड होते हैं. ठीक है, तो वो केमिकली भी हो सकते हैं, लाइक प्योरली वो मैन मेड भी हो सकते हैं, और वो मिक्सचर भी हो सकते हैं. आर्टिफिशियल फाइबर का और सिंथेटिक फाइबर का मिक्सचर भी हो सकते हैं. लाइक रेयॉन है, वो सिल्क और दूसरे लाइक मैनमेड फाइबर से मिला होता है, तो इट इज नॉट प्योरली सिंथेटिक, नॉट प्योरली नेचुरल फाइबर. ओके, इट इज सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, ओके, बिफोर वी लाइक इसमें आप देख सकते हो लाइक ये जो है वो पेपर क्लिप्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो एक चेन बन जाती है. तो इसी तरह जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो केमिकल जो उनकी बॉन्डिंग होती है वो इसी तरह से इसी चेन की तरह होती है. ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन द नेकलेस. जैसे नेकलेस है, ब्रेसलेट है, तो इनमें क्या होता है, एक से दूसरी चीज अटैच रहती है. तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक सिंथेटिक फाइबर में होता है. ठीक है, दोनों ही केस में क्या हो रहा है, लॉन्ग चेन है. ठीक है, आप देख सकते हो लाइक एक सर्कुलर है और एक क्या है, लाइक चेन कैसी है दूसरी. ठीक है, एक रेक्टेंगल शेप में है. इन बोथ केसेस दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग सच एज बीड और अ पेपर क्लिप. केमिस्ट बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंट हैव फाउंड आउट
दैट नेचुरल फाइबर आर मेड ऑफ सिंपल केमिकल कंपाउंड. नेचुरल फाइबर जो होता है वो सिंपल केमिकल कंपाउंड जिन्हें हम मोनोमर बोलते हैं, जिसमें सिंगल यूनिट होती है. मोनोमर कम्स टू ग्रीक वर्ड्स. ग्रीक मोनो मतलब होता है वन, मर मतलब होता है यूनिट, मतलब एक ही यूनिट से जो मिलकर बना होता है दैट इज कॉल्ड मोनोमर. एंड मोनोमर इज सिंपल यूनिट गिवन केमिकल मॉलिक्यूल जो कि लाइक एक प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर बना रहा है. फॉर एग्जाम्पल मोनोमर इन द नेचुरल फाइबर कॉटन इज द सिंपल लाइक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का ही एक मॉलिक्यूल होता है. हाउएवर ऑल नेचुरल फाइबर द मोनोमर जॉइन इन अ लॉन्ग चेन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर. जब ये चेन में कनेक्ट हो जाते हैं, जब इन सिंगल मोनोमर को हम लाइक कनेक्ट कर देते हैं एक के साथ एक, तो वो एक लंबी सी चेन बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर. पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है, मैनी मैनी, ठीक है, एंड मैन मतलब यूनिट, मतलब मैनी यूनिट से मिलके बना हुआ. सो पॉलीमर कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस जॉइंट टूगेदर फॉर्म अ लॉन्ग चेन और बिगर मॉलिक्यूल. ओके, सो प्लास्टिक है इज ऑल्सो लाइक, ये भी इसमें भी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ वर्च्यू ऑफ विच सब्सटेंस कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी. वेयर डज द सब्सटेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्लास्टिक. केमिस्ट हैव लर्न टू मेक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर, लाइक डुप्लीकेट नेचुरल फाइबर बना सकते हैं. दे हैव लर्न टू कंबाइन सिंगल मॉलिक्यूल इनटू अ लॉन्ग चेन, मतलब लॉन्ग चेन में कन्वर्ट करने के लिए जिसे हम क्या बोलते हैं, बिगेस्ट लाइक पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है. These artificial fibers also called, in artificial fiber को हम क्या बोलते हैं, synthetic fiber. We can also called the man-made fiber. तो three types like हम name दे दी हमने, एक तो artificial fiber, एक synthetic fiber and one is man-made fiber. The process by which artificial fiber is made from simple molecules is called polymerization. तो यही जो process होती है जिसमें हम artificial fiber को बनाते हैं इन simple molecules से, इसे हम polymerization बोलते हैं. सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन बता रखी है कि मोनोमर लाइक द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल इन अ पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर. पॉलीमर द प्रोडक्ट फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अ लार्ज मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिला के एक पॉलीमर को बनाते हैं, ठीक है. तो उसमें मैनी मोनोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर, ठीक है. पॉलीमर होता है, पॉलीमर मतलब मैनी. ओके, प्लास्टिक अ मटेरियल विच कैन be easily molded into various form, मतलब हम उन्हें किसी भी शेप में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक प्लास्टिक के आप कई चीजें देखते हो तो वो किसी भी शेप में अपन कन्वर्ट कर देते हैं उसे, तो ठीक है, ऐसे मटेरियल को हम प्लास्टिक कहते हैं. प्लास्टिक द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल लाइक कैन बी मोल्डेड, मतलब किसी भी फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर सके अगर किसी मटेरियल को, तो ये उसकी उसकी क्या होती है, प्लास्टिसिटी होती है. ओके, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सिंथेटिक फाइबर कितने लाइक कितने, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर अवेलेबल. सो फर्स्ट टाइप इज आर्टिफिशियल सिल्क, वी कैन आल्सो से दैट से इट रेयॉन. रेयॉन ये जो होता है वो मिक्सचर होता है आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर का. ओके, सो फर्स्ट ये चाइना में डिस्कवर हुआ था. तो ये सिल्क वॉर्म से हमें बेसिकली सिल्क मिलता है, तो सिल्क का प्रोडक्शन चाइना में सबसे ज्यादा होता है. एंड उसमें क्या था, द फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वर वेरी कॉस्टली. जो फैब्रिक जो सिल्क होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बट उसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर होता है उसके कारण ये फैंसी लाइक हम एवरीबडी मतलब उनको प्रेफर करता है सिल्क को, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है एंड शाइनी और लस्टर भी बहुत होती है इसमें, ठीक है. तो 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर ऑफ सिल्क. तो 19th सेंचुरी में उन्होंने एक ऐसा फाइबर लाइक सर्च करा जिसमें मतलब इसकी प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था सिल्क की प्रॉपर्टी से. सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था वुड पल्प में. दिस फाइबर इज कॉल्ड रेयॉन कहते हैं, जिसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, ठीक है. सो द न्यू मटेरियल, क्योंकि इसका कॉस्ट ज्यादा थी तो इसकी लाइक हम जब इसे मैनमेड बना देते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है एज कम्पेयर टू सिल्क, क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ओके, द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रेयॉन इज प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोज. रेयॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर बिकॉज इसे हमने रीजनरेट करा है, वापस से बनाया है, ठीक है. बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय मॉडिफाई. मॉडिफाई मतलब उसमें चेंजेस कर रहे हैं किसमें, नेचुरल फाइबर में. रेयॉन इज नॉट ट्रूली अ आर्टिफिशियल फाइबर. ट्रूली आर्टिफिशियल फाइबर नहीं है बिकॉज इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्लांट फाइबर एंड अ सॉरी
इट्स अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल फाइबर, नेचुरल लाइक सिल्क फॉर्म से मिलता है एंड अ सिंथेटिक फाइबर का वो मिक्सचर है, ठीक है। हाउएवर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज इंक्लूडेड इनटू मैन मेड फाइबर सो और सिंथेटिक फाइबर। द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ यॉन इज प्योर कॉटन और वुड सेल्यूलोस। यॉन इज समटाइम्स कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर, ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है। रेयॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द नेचुरल फाइबर इन फॉलोइंग स्टेज। तो किस तरह से हम रेयॉन बनाते हैं उसका बताया है इसमें, लाइक प्योर कॉटन और सेल्यूलोज इज सोक्ड इन 30% सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा फॉर 3 आवर्स। 3 आवर्स के लिए हम उसका जो 30% सोल्यूशन लेते हैं, लाइक किसका, प्योर कॉटन, मतलब उसमें सोक करा जाता है उस कास्टिक सोडा के अंदर, तो उसे 3 आवर्स के लिए डिप करा जाता है। द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इज देन रिमूव्ड, अब उसको हटा लिया जाता है आफ्टर 3 आवर्स। द प्रोडक्ट इज जेंटली वॉर्म विथ कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की लाइक डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में उसे क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है। द प्रोडक्ट सो फॉर्म दिस बॉल, जो उससे प्रोडक्ट मिलता है फिर उस पर क्या करा जाता है, उसमें अगेन डिजोल्व करा जाता है कास्टिक सोडा सोल्यूशन, ठीक है, उसे डिजोल्व करा जाता है। तो उससे वो क्या बनाता है, अनदर प्रोडक्ट बना लेता है जो कि विस्कस सोल्यूशन होता है। और इस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं टू रिमूव एनी जो भी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी उसमें घुली नहीं है, जो भी इम्प्योरिटी को, तो वो चीज क्या हो जाती है, उससे रिमूव हो जाती है, ठीक है। देन इसलिए स्लोली पास करा जाता है, स्पिनरेट प्लेस इन द बाथ ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद, मतलब उसमें उसे वॉश करा जाता है एंड इसे हार्ड करा जाता है टू फाइन, मतलब फाइन फिलामेंट बनाने के लिए। फिलामेंट देन बॉन्ड ऑन अ स्पून, ओके। तो इस तरह से रेयॉन का किस तरह से बनाया जाता है वो प्रोसेस दे रखी है। अब इसके यूजेस क्या है, द फिलामेंट ऑफ रेयॉन कैन बी वोवन लाइक एनी अदर नेचुरल फाइबर, दे हैव अ फील एंड टेक्सचर ऑफ नेचुरल सिल्क, मतलब नेचुरल सिल्क जैसा ही इसका क्या होता है, लाइक टच करने में बिल्कुल ये सिल्क जैसा लगता है। फॉलोइंग ऑल द यूजेस ऑफ रेयॉन, लॉन्ग फिलामेंट ऑफ रेयॉन आर यूज्ड फॉर मेकिंग रीइंफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स, लाइक रीइंफोर्स्ड ऑटोमोबाइल टायर्स होते हैं उनमें हम इसका यूज में लेते हैं रेयॉन को, और कारपेट्स बनाने में भी, ठीक है, वूल के साथ मिक्सिंग करके लाइक कारपेट्स बनाने में भी यूज में लेते हैं, ठीक है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी द रेयॉन फिलामेंट एंड देन आर बैंडेड विद द कॉटन टू मेक स्मूथ सिल्की क्लोथ, मतलब कॉटन में भी इसे मिक्स करके लाइक क्लोथ्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बेडशीट भी बनाई जाती है। नेक्स्ट फाइबर, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज नाइलॉन। नाइलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, मतलब इट इज प्योर सिंथेटिक फाइबर, मतलब प्योर होता है, ना ही एनिमल फाइबर ना ही प्लांट फाइबर में इससे नेचुरल फाइबर, कोई सा भी नेचुरल फाइबर यूज में नहीं लिया जाता। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ मैट मॉलिक्यूल, सो प्योरली केमिकली कंपाउंडिंग करी जाती है उसके बाद बनता है। द अमाइड मॉलिक्यूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस। तो केमिकल प्रोसेस होती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, जिससे ये नायलॉन फॉर्म होता है। नायलॉन जो होता है वो उसकी लंबी चेन, नायलॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमराइड मॉलिक्यूल्स। पॉलीमराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे ही बना होता है। नायलॉन फाइबर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है एंड वाटर रेजिस्टेंट होता है, मतलब वाटर आसानी से इसमें एंटर नहीं होता है। एंड इट वॉज फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था। इन टर्म नायलॉन आर यूज्ड लाइक यूज्ड फॉर पॉलीमराइड मॉलिक्यूल्स नेम्ड आफ्टर टू सिटीज, न्यूयॉर्क इन USA एंड लंडन इन ग्रेट ब्रिटेन, ओके। तो इस जगह पर नायलॉन लाइक एक तरह का ज्यादा यूज में लाइक इस तरह से बनाता है यहाँ पर था। इट इज बिकॉज दिस प्रोडक्ट वॉज डेवलप बाय कलेक्टिव एफर्ट फॉर साइंटिस्ट ऑफ टू कंट्रीज। तो ये टू कंट्रीज जो बता रखी है, तो इसके एफर्ट से नायलॉन का लाइक फॉर्मेशन हुआ था। नायलॉन फाइबर इज हाईली इलास्टिक टेंसाइल एंड हैज सिल्क लाइक अपीयरेंस, सिल्क जैसी अपीयरेंस होती है, बट इट इज नॉट सिल्क, ओके। इलास्टिक होता है, टेंसाइल लाइक इजीली वॉशेबल होता है। वुमेन स्टॉकिंग मेड फ्रॉम लेमन आर इंस्टेंट हिट इन द मार्केट व्हेन दे आर लाइक इंट्रोड्यूस इन 1939। हाउएवर इन 1939
when this product was introduced, the World War Second started. World War Second started जब ये लाइक बना था. सो मोस्ट ऑफ दिस प्रोटेक्शन ऑफ डाइवर्टर को मेकिंग पैराशूट, पैराशूट बनाने में भी हम नायलॉन को यूज में लेते हैं. और किस में लेते हैं? फिशिंग नेट्स बनाने में, रॉक क्लाइंबिंग करने में लाइक रोप्स बनाने में, है ना, रस्सी बनाने में हम यूज में लेते हैं, टायर बनाने में, टायर के कॉर्ड्स जो होते हैं उन्हें बनाने में, स्ट्रिंग्स फॉर टेनिस, टेनिस की स्ट्रिंग्स लाइक बनाने में, ठीक है, इन सब चीजों में हम टूथब्रशेस में भी वी यूज नायलॉन. ओके, इट इज यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर क्लोथिंग, पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स के लिए भी, क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी अच्छी होती है, ठीक है, पोलीज बनाने में एंड पार्ट्स ऑफ मशीन बनाने में, टूथब्रशेस, कॉम, ठीक है, जेप, वर्क्स, इन सबको बनाने में हम नायलॉन यूज में लेते हैं, ठीक है. पॉलिस्टर से थर्ड जो है वो सिंथेटिक फाइबर है. सो एस्टर्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सच एज एसिटिक एसिड एंड फैथलिक एसिड. तो इसमें क्या होता है, टू टाइप्स के एसिड, ये भी प्योरली सिंथेटिक फाइबर है, इसमें भी हम लाइक केमिकल बॉन्डिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स से, जिससे नया नया वो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है, पॉलिस्टर बनता है. द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म पॉलिस्टर. पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर. फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली. मतलब इसके कपड़ों को, जैसे कॉटन के कपड़ों को हमें आयरन करना पड़ता है, उसमें तल बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, तो पॉलिस्टर के कपड़ों पर हमें आयरन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश. इजी टू हम वॉश कर सकते हैं जो भी इसकी ड्रेसेस लाइक होती है. यू मस्ट हैव पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड ड्रेसेस. तो इसमें क्या होता है, रिंकल नहीं लगता, तो इजी टू मेंटेन होता है, ठीक है, इजी टू वॉशेबल होता है. ओके, तो स्टूडेंट्स, इट्स रिमेनिंग जो हमारे रह गए हैं टॉपिक, लाइक ड्रैकॉन रह गया है हमारा, नेक्स्ट पीईटी रह गया है. ओके, डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ फाइबर्स रह गए हैं, ठीक है. दिस रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.